नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर, ये दोनों स्टॉक इस पूरे हफ्ते बड़े एक्शन में रह सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स की माने किसी भी बिजनेस, जो भी बिजनेस से रिलेटेड अपडेट्स शेयर करती है एप्लीकेशन, वो हर एक एप्लीकेशन ऑलमोस्ट इस खबर को कवर कर चुकी है। यानी अभी तक रिपोर्ट्स का नाम तो यही है कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, लेकिन चांसेस यही है कि ये फाइनल चीज है, ये होगी। क्या होने वाला है? वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर, ये दोनों स्टॉक आपके लिए बड़े एक्शन में है, इसलिए क्योंकि वोडाफोन के वेरियस इन्वेस्टर्स जो हैं, वोडाफोन ने जो इन्वेस्ट कर रखा है इंडस टावर में, वो अपना पूरा एंटायर स्टेक बेचने जा रहा है, पूरा एंटायर स्टेक बेचने जा रहा है। क्यों बेचने जा रहा है? ताकि भारत में वोडाफोन आइडिया पूरे के पूरे 4G को रोल आउट कर सके और 5G के लिए अपनी तैयारी कर सके। आपको याद होगा, रिसेंटली वोडाफोन आइडिया ने 20,000 करोड़ के समथिंग का FPO लॉन्च किया, सब्सक्रिप्शन दमदार मिला, शेयर धारकों ने पैसा लगाया तो शेयर धारकों ने पैसा बनाया। क्योंकि अगर आप देखें तो 11 रुपए का FPO था, अभी ये स्टॉक 17 रुपए के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है, तो डेफिनेटली एक महीने में अगर इतना बड़ा पैसा बन रहा है और क्या चाहिए इन्वेस्टर्स को। तो पूरी कहानी क्या है, तो चलिए समझते हैं, जानते हैं, एक एक करके सारी चीजें आपके साथ कवर करता हूं। वोडाफोन टू सेल एंटायर इंडस टावर स्टेक वर्थ $2.3 बिलियन विया ब्लॉक डील नेक्स्ट वीक रिपोर्ट्स। ये आपके लिए सैटरडे को रिपोर्ट आई थी, तो नेक्स्ट वीक तक जैसे ही रिपोर्ट आई थी मैंने तब भी कवर करी थी ये स्टोरी आपके लिए। वोडाफोन्स 21.5% इन इंडस टावर इज हेल्ड विया वेरियस ग्रुप एंटिटीज एंड इज वैल्यूड एट $2.3 बिलियन। अलग अलग एंटिटीज के द्वारा वोडाफोन ने इस इंडस टावर में स्टेक ले रखा है, क्योंकि मैंने जब लास्ट टाइम या अभी भी आप चेक करोगे तो इंडस टावर में आपको दिखेगा कि वोडाफोन के पास तो केवल 3% का स्टेक है, तो उन्होंने और नामों से स्टेक ले रखा है शेयर होल्डिंग पैटर्न में, जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट हैं उनके अलग अलग नाम से, जिसकी टोटल वैल्यू जो निकाली जा रही है, टोटल वैल्यू जो आंकी जा रही है, वो है दोस्तों $2.3 बिलियन। ये पता है कितना होता है? ये होता है दोस्तों ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 20,000 करोड़ के समथिंग, 20,000 करोड़, इनफैक्ट 18,000 से 20,000 करोड़ के समथिंग आप कह सकते हो। मैं एग्जैक्टली भी बताऊंगा आपको, क्योंकि 21.5% स्टेक दे रखा है इन्होंने, तो अगर करंट मार्केट प्राइस देखे तो 91,000 करोड़ का है, इसके हिसाब से 20,000 की वैल्यू हो गई 18,000 करोड़ की अप्रोक्स 0.5 में आप और लगा लीजिए, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो सॉरी 1.5% और लगा लीजिए तो 20,000 के करीब की ही ये सेलिंग होने जा रही है आप कह सकते हो। तो ये इतनी बड़ी सेलिंग दोस्तों इस प्राइस पे तो होगी नहीं, ये होगी डिस्काउंट में। तो इंडस टावर का स्टॉक जिस दिन ये ब्लॉक डील होगी टूट सकता है खबरों में, और जैसे ही ब्लॉक डील होगी वापस रिबाउंड कर सकता है, क्योंकि ये प्रेशर हट जाएगा कि हाँ ठीक खत्म, हटा गया, जो बेचने वाला था वो गया, अब किसी और के पास चला गया, वो नहीं बेचेगा जल्दी से, बल्कि उसने इस भाव पे लिया है वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेगा। तो पहली चीज जो इंडस टावर के लिए, वो ये ध्यान में रखनी है इन्वेस्टर्स को, कि इंडस टावर के स्टॉक को आप अभी मत लेना। कब तक मत लेना? जब तक ये डील ना हो जाए दोस्तों, क्योंकि ये सेलिंग का प्रेशर आएगा, तो इतनी बड़ी सेलिंग होगी तो कम से कम बायर 10-15% का डिस्काउंट मांग सकता है। तो हो सकता है कल या परसों आपके लिए इंडस टावर वीक ट्रेड करता हुआ दिखे थोड़ा इसी खबर के चलते, फिर डील की खबर आए कि भैया इतने परसेंट डिस्काउंट में डील होगी, उस दिन डील हो और शेयर नीचे आए और फिर ये चल सकता है, आप तब इन्वेस्ट कर सकते हो चाहो तो, यानी कि डील होने के बाद ही इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वैल्यूएशन टर्म्स में इंडस टावर बहुत सस्ता है, पूरा टेलीकॉम स्पेस अच्छा कर रहा है, भारतीय एयरटेल प्रेफर्ड पिक है, बढ़िया कर रही है, इंडस टावर भी बढ़िया कर रहा है, इंडस टावर में भी भारतीय एयरटेल अच्छा खासा 47% समथिंग स्टेक ओन करता है, तो आप मतलब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इंडस टावर के स्टॉक में एक तो ये हो गया कि आपको खरीदना सिर्फ तब है जब ये डील हो जाए, जब तक नहीं होती है तब तक नहीं लेना है। बहुत सारे इन्वेस्टर भी पूछेंगे भाई मेरे पास है क्या बेच दूं? मत बेचो भाई, बेचकर दोबारा एंट्री नहीं कर पाओगे, दिक्कत और हो जाएगी, इसलिए बैठे रहो, गिरावट होगी तो ले लेना, लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा लग ही रहा है इस समय। अब आते हैं वोडाफोन आइडिया। दोस्तों वोडाफोन आइडिया सिर्फ एक ही चीज पे चल रहा है, पैसा चाहिए पैसा दे दो, पैसा दे भी रही है इस समय जनता, पैसा मिल भी रहा है, लेकिन क्या ये इस पैसे से कारोबार को बढ़ा पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। कारोबार बढ़ाने के लिए खुद को डेवलप नहीं करना है,
कारोबार बढ़ाने के लिए कंपटीशन को बीट करना है, जो एयरटेल जैसे बड़े दिग्गज से है। आपको ये भी समझना होगा साथ ही साथ, ये जहां पे पूरी तरीके से 4G को रोल आउट करने में है, वहां बाकी इनके कॉम्पिटिटर चाहे जियो हो या एयरटेल 5G पूरी तरीके से रोल आउट कर रहे हैं ऑलमोस्ट, अभी 6G की तरफ चले जाएंगे। तो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा टफ है, बट बाजार इसलिए अच्छा ले रहा है, छोटे टिकट साइज का स्टॉक है, ऊपर जा रहा है और अभी भी मार्केट शेयर इसका अच्छा है, 18-19% का है। हालांकि जब भी आप मंथ ऑन मंथ डेटा आता है, आप देखते हो कि सब्सक्राइबर्स गवा ही रहा है, वोडाफोन आइडिया ऐड भी करता है, गवा भी देता है, नेट कम ही हो रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी मैं टेलीकॉम स्पेस में सबसे ज्यादा बुलिश भारतीय एयरटेल पे हूँ। जियो आप डायरेक्ट प्ले कर नहीं सकते हो, तो रिलायंस लेना पड़ेगा, पूरा का पूरा ग्रुप आपका होगा। तो भारतीय एयरटेल ही अच्छा लग रहा है टेलीकॉम स्पेस में, इंडस टावर भी ठीक लग रहा है, टाटा कम्युनिकेशन अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें थी, होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।